मजीद खोल गया जे, ओए कट्टा मजीद खोल गया जे। अस्सलाम वालेकुम सजनों बेलियों मित्रों तो सहेलियों कैसे हो, खैरियत करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ना कि चलो देखते हैं कि आगे क्या फिल्म चलती है, क्या नया ड्रामा आता है। तो सनम गल बहुत वधी पई है, इतनी अच्छी प्लानिंग तो कभी CIA वालों ने की जितनी अच्छी इन्होंने की थी। ये सारा सीन शुरू करने से लेके अब तक की सारी प्लानिंग की हुई है। एक तीर से 2 शिकार तो सुना था, एक तीर से 400 शिकार। वाह यार, तुम प्लानिंग चेक करो, पहले वहाँ पे जाके सारा इंसिडेंट क्रिएट किया जैसा मर्जी था, पर वहाँ से फेम भी लिया। दूसरे तीसरे दिन हेडलाइंस में भी रहे, इज्जत भी इन्हें कहीं ना कहीं मिली, शोहरत भी मिली, दौलत लेने लगे थे पड़े गए। हाँ जी, तो जनाब आयशा अकरम और रैम्बो की बहुत सारी लीक हो गई है रिकॉर्डिंग्स। तो सनम अगर जरा गौर किया जाए ना तो टट्टी में 2 टे होते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। उस लेफ्ट वाले टट्टी का टे को अगर राइट पे कर दिया जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर राइट वाले टट्टी का टे को लेफ्ट पे कर दिया जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पुटा करो, सीधा करो, रहना उसने टट्टी है। इन दोनों की मिसाल ना उस गंदी मक्खी की तरह है, जितने मर्जी इनके सामने अच्छे अच्छे फूल ला के रख दो फिर भी इन्होंने गंद पे जाके बैठना है। इतनी इज्जत मिली थी ना इन दोनों को जितनी ये डिजर्व नहीं करते थे। पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे लोग इनके साथ थे, पाकिस्तान के बाहर से बहुत सारे लोग इनके साथ थे। खलीलुर रहमान इनके साथ था, इकरारुल हसन इनके साथ था, यासर शामी ने इसको साथ दिया और पाकिस्तान के पूरे न्यूज चैनल ने इसको अच्छे से कवरेज दी सिर्फ इसलिए कि इसको इंसाफ मिले। पर सनम तुम तो जानते हो, लेफ्ट करो या राइट, टट्टी तो टट्टी रहती है। चेक करो, मुजरिम 6 है 7 है 6 फी मुजरिम को अंदाजन कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाजन क्योंकि ज्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं सब पता है ना, तो अंदाजन कितना होगा। हाँ जी, तो सनम चेक की इनकी प्लानिंग, इज्जत भी मिल गई थी, शोहरत भी मिल गई थी, दौलत लेने लगे थे, वो भी चाहे इनको मिली जाती, जैसे इनकी प्लानिंग चल रही थी ना वो भी इनको मिली जानी थी। एंड में मेरे ख्याल से ना परसेंटेज का रोला निकल आया होगा, ये गंदे पैंपर के मुंह वाला कहता होगा कि मुझे भी आधा हिस्सा दो और आयशा अकरम कहती होगी तू की किता सारा कुछ तो भुगतया मैं, तुम्हें किस चीज का आधा हिस्सा दूं। आयशा अकरम ने रैम्बो से कहा कि जरा 150-200 रुपया लेना होया वो ले ली, तो चुप करके बह जा, इस तो ऊपर तेनु 1 रुपया नहीं मिलना। चुप करके बह, जिथे तेरी कात है उथे रह, बोतियां गल ना कर, बहू राम मौत बनेगा कुतिया। फिर क्या होना था सनम, इनकी लड़ाई छड़ाई होगी। फिर उसके बाद हुई ये वाली रिकॉर्डिंग लीक। तेनु सेंड करना ते मैं सारे नु वीडियो सेंड कर लेना ते मेरा भी फेस देख के तेरा भी अपने कोल रख, वे मैं तेरा इलाज करदा हूं। ये खोते की टुई के मुंह वाला कहता कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। फिर क्या होगा, आयशा अकरम ने इसी डर से इसे कह के इसे उठवा दिया होगा, सिर्फ इस डर से कि मेरा कच्चा ना खोल दे। क्या होता है जो भी होता है वो ना खोल दे। ये सब रिकॉर्डिंग्स वगैरह लीक होने के बाद ना एक दफा ये फिर से ट्रेंडिंग में आ गए। कुछ लोगों को ना आदत होती है, जाते तीर के सामने खड़े हो जाते हैं या उड़ता तीर पकड़ के ले लेते हैं। एक दफा फिर से ये ट्रेंडिंग में आ गए और सारी मामा बहना दिया गालियों का रुख अपनी तरफ कर लिया। इज्जत मिली थी, शोहरत मिली थी, दौलत रह गई थी, उस दौलत के चक्कर में इज्जत भी गई, शोहरत भी गई और रैम्बो जेल भी गया और जो हालात नजर आ रहे हैं ना अनकरीब भी गई समझो। खलीलुर रहमान जो इस तरह की लड़कियों को अच्छी खासी कर देता है और दूसरी दफा डकार भी नहीं मारता, उसने भी इसका साथ दिया था, वो भी अब कह रहा है कि मैं इस तरह की लड़की का साथ देने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इवन इकरारुल हसन ने भी इकरार कर लिया कि सनम हम गलत थे। चेक करो, मैं जानता हूँ ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन है, सो मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे किस चीज की माफी मांग रहा हूँ। मैं क्या तहकीक कर सकता था इस केस के अंदर, देखिए तहकीक में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एविडेंस होता है वीडियो, और आयशा के साथ बदतमीजी की उसके कपड़े फाड़ने की वीडियो मौजूद थी, और किसी भी ऐसे मामले पर आप रिपोर्ट करने से पहले ना तो मुतालिका शख्स का इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, ना उसका टिकटॉक अकाउंट देखते हैं, ना उसके जहन को पढ़ते हैं कि उसके अंदर कितनी गंदगी है या वो कितना करप्ट है, कि अपने आप को इंसाफ दिलाने की बजाय अपने अपनी इज्जत को वापस बहाल करने की बजाय आप लोग अपनी इज्जत का सौदा करना शुरू कर देंगे 5-5 लाख रुपए के बस। तो जहर मैं क्या कर सकता था, जो मैं कर सकता था वो
बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। इकरारुल हसन ने वही किया था जो उसे करना चाहिए था। कोई भी ऐसा पाकिस्तान में इंसिडेंट होता है, कोई भी ये नहीं देखता है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, किस तरह से है। हम सभी पहले ये नहीं देखते इसने कौन सी डिग्री की है, इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। ये देखते नहीं है कि इनका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, फिर इसकी मदद करनी चाहिए। इकरारुल हसन ने वही किया था जो उसे करना चाहिए था, जो उसे तब सही लगा। उसे क्या पता था कि इसके जहन में क्या गंदगी छुपी है। तो किस्सा मुख्तसर, इकरारुल हसन भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, पर एक जो बात जो इकरारुल हसन ने की थी उसके लिए पाकिस्तान की पूरी अवाम बहुत इससे शर्मिंदा है। हाथ बांध के माफी मांग के सारे पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के लोगों से भी, दुनिया भर के लोगों से भी, कि मैं अंदर बैठा शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह ताला की जात का कि पता नहीं उसने इस मुआशरे में, शुक्र मालिक तूने बेटी अता नहीं की मुझे। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? इकरारुल हसन से बहुत उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ना इस बात पे भी माफी मांगेंगे कि उन्होंने किस तरह के बंदों के लिए इस तरह की बात बोली। एक बेटी जो अल्लाह की रहमत होती है उसके ना होने पे शुक्र किया। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। चलो सनम, जो हुआ सो हुआ, इकरारुल हसन को करो साइड पे, हम अपने केस की समाप्ति की तरफ वापस आते हैं। रैम्बो को जब आयशा अकरम ने अंदर करवा दिया ना, तो इसके और बहुत सारे इंटरव्यूज आए। वैसे तो ये शक्लों ही झूठी लगती है, उस इंटरव्यू में और मजीद झूठी लगने लग गई थी। अच्छा, पिछले एक साल से जब से आप ये काम कर रहे थे उसके बाद रैम्बो ने आपसे पैसे नहीं लिए? नहीं, रैम्बो को मैं खुद सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो एक पूरे फैमिली से। मैं इस बात को आयशा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि एक तरफ वो आपसे ब्लैकमेलिंग से पैसे ले रहा है और दूसरी तरफ आपके दिल में खौफे खुदा आ रहा है कि आप उसे बताते खुद सपोर्ट कर रही हैं। ब्लैकमेलिंग से वो पैसे मुझसे लेते रहे। हम ना इसको क्लियर करते हैं ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे लोग यकीन करेंगे जानना चाहते हैं, आप महीने का या हफ्ते का 10,000 उसे ब्लैकमेलिंग की मद में देती थी या उसे सपोर्ट की मद में देती थी? चलें मैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। बिल्कुल खामोशी, चुप सद गई, साफ सुन गया। प्लानिंग इनकी जो थी ना वो तब तक ही अच्छी थी, अब इनका बस एंड चल रहा है, सब कुछ सभी के सामने आ रहा है। अब इनको नहीं पता चलेगा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, जो बोलेंगे ये उतना ही फंसेंगे। एक और इंटरव्यू में आयशा अकरम ने क्या कहा वो भी आपको सुनाती हैं। था ये जो कुछ हुआ ये रैम्बो का किया हुआ था जी। रैम्बो के साथ आपका कब से है तल्लुक, क्या तल्लुक है, कब से है, क्या प्लानिंग आप समझती है कि रैम्बो की थी? एक्चुअली रैम्बो जो है मेरे छोटे भाइयों की तरह हम। ओ यार, भाई बहन भाई बहन, सनम तुम मानो या ना मानो, ये जो बीसी वाली गाली है ना, इन दोनों से इजाद हुई थी। टिकटॉक पे 2.5 साल से 2 साल से एक साथ वर्क कर रहे हैं। यार तू जो बोल रही है ये तेरे कानों में भी जा रहा है कि नहीं? 2 साल से 2.5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, तेनू इन्ना ही नहीं पता कितना अच्छा हो गया तेनू काम कर दे, तुझे की तरक्की करनी? हम जब भी ट्रेंड लेकर आते हैं टिकटॉक पे वो बहुत वायरल होता है। अभी लास्ट टाइम एक फनी ट्रेंड चला वो पूरे पाकिस्तान में फेमस हुआ है और उसकी वजह से कुछ लोग हमारे हिटर्स भी बने, लवर भी बने, कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस ट्रेंड की वजह से, हमारी वीडियोस 10-10 मिलियंस पर भी गई हैं। और अच्छा, अपनी ही गल्ला मारन बह गई है, जो उन्हें पूछे तू वो दस दे गल बका, एवं इतना स्क्रीन टाइम ले जा। नहीं देखा जाए तो ये बंदा 2 साल से मेरे साथ है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है, हम कपल शूट भी करते हैं। मतलब दिन को भाई भाई रात को कपल शूट, सही। टिकटॉक पे जो ट्रेंड चल रहा होता है हमने उसके मुताबिक काम करना होता है। नहीं ये क्या मतलब कि टिकटॉक पे जो ट्रेंड चलता है उसी के मुताबिक आपको वीडियो बनानी पड़ती है? क्या टिकटॉक की बरादरी में आने से पहले कोई शपथ वगैरह लेते हैं कि अगर आपने इस तरह की वीडियो ट्रेंड पे जो चलती हुई वो ना बनाई तो आपको टिकटॉक बरादरी से निकाल दिया जाएगा, टिकटॉक की सारी जायदाद से आग कर दिया जाएगा, वापस कभी टिकटॉक के कबीले में आने नहीं दिया जाएगा? ही बिलोंग टू बी अ वेरी पुअर फैमिली। यार एक तो ये बहुत कहती है कि ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, तेरियां कड़ा मिला चल दिया एडी, तू जड़ी स्टील दी फैक्ट्री लाई। और इतन इसका जो टैलेंट है ये मुझे पता है, सिर्फ इसके अंदर जो चीजें मैंने देखी हैं काश वो सारी दुनिया देखे। ओ नहीं ओ नहीं भाई, नहीं असी नहीं देखनी है, तू कल ही देख, तानू ना बखा, तानू एहो जिहा शौक नहीं है। हाँ ना यार, इस तरह की चीजों को तो यही देखे, हम क्यों देखे? रैम्बो ने तो अगर डॉक्टर से भी दवाई लेने जाने हो ना तो डॉक्टर स्पेशल रैम्बो को कहता होता है कि आने से पहले ना मुझे बता दिया करो ताकि मैं भी कहीं और चले जाया करूँ, या ना मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे चेकअप करवा लिया करो, तेनू चेक करके मैं फिर किनू चेक करवाना? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ
तो सज्जनों तो बेलियों मित्रों तो सहेलियों ये था आज का समाचार। मजीद समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों यारों मोहब्बतों सहेलियों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरे ब्रांचेस पर फॉलो नहीं किया हुआ तो वो भी टैमो टैम कर ले। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहता काबतों का शुक्रिया, प्यार का इजहार का इकरार का आपका आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मिल जाए चरस ते काम होवे आला, पीके दे नाल मजा होवे दबला, हो जांदा ए पिंडा सुन।